हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियोस में हमने इमाइल दुर्खीम, जो कि एक प्रसिद्ध सामाजिक विचारक हैं, उनके कुछ टॉपिक्स का अध्ययन किया। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम। दुर्खीम अपनी पुस्तक के 5वें अध्याय में सामाजिक तथ्यों की व्याख्या करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने 3 नियमों की व्याख्या की है, जो कि इस प्रकार हैं। आप नोट कीजिए। नंबर 1, जब हमें किसी सामाजिक घटना की व्याख्या करनी हो तो हमें उसके उत्पन्न करने वाले फलप्रद कारण को तथा उस घटना के द्वारा पूरे किए जाने वाले प्रकार्य को अलग अलग खोजना चाहिए। नंबर 2, एक सामाजिक तथ्य के निर्धारक कारण को पूर्वगामी सामाजिक तथ्यों में ही ढूंढना चाहिए, ना कि वैयक्तिक चेतना की अवस्थाओं में। साथ ही एक सामाजिक तथ्य का प्रकार सर्वदा किसी सामाजिक उद्देश्य के संबंध में खोजना चाहिए। नंबर तीन किसी भी महत्व की सभी सामाजिक प्रक्रियाओं की प्रथम उत्पत्ति को सामाजिक समूह की आंतरिक संरचना में ही खोजा जाना चाहिए। इस प्रकार दुर्खीम 3 नियम बताते हैं, जो कि सामाजिक तथ्यों के बारे में है। अब हमारा टॉपिक है समाज में श्रम विभाजन। इमाइल दुर्खीम ने 1893 में फ्रेंच भाषा में एक अपनी कृति द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ही रचना की। यह दुर्खीम का पहला ग्रंथ था। इसी ग्रंथ के लिए 1893 में पेरिस विश्वविद्यालय में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया गया था। इस ग्रंथ में दुर्खीम ने श्रम विभाजन का विस्तृत सिद्धांत प्रस्तुत किया है। दुर्खीम की यह पुस्तक 3 खंडों में विभाजित है। नंबर 1, श्रम विभाजन के प्रकार। नंबर 2, कारण एवं दशाएं। नंबर 3, श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप। आज हम अपनी क्लास में इन 3 टॉपिक्स का संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे। अपनी इस कृति में दुर्खीम ने अनेक समाजशास्त्रीय समस्याओं पर प्रकाश डाला है। अपनी पुस्तक के प्रारंभ में अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि मुख्य रूप से यह पुस्तक नैतिक जीवन के तथ्यों को प्रत्यक्ष विज्ञानों की पद्धति के अनुसार समझने का प्रयास है। रेमंड एरन लिखते हैं कि श्रम विभाजन की केंद्रीय समस्या दुर्खीम के समाजशास्त्रीय चिंतन की मुख्य समस्या है। यह समस्या व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंध की है। दुर्खीम अपनी इस पुस्तक के प्रथम खंड में श्रम विभाजन के प्रकार्य में श्रम विभाजन को सामाजिक संश्लिष्टता के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। साथ ही उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अध्ययन की दृष्टि से कानूनों के स्वरूप, मानवीय संबंधों के स्वरूप, अपराध, दंड, सामाजिक विकास आदि की अनेक समस्याओं, कारणों और दशाओं का विस्तृत विश्लेषण इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। दूसरे खंड में श्रम विभाजन के कारणों और दशाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। तीसरे खंड में दुर्खीम ने श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों की विवेचना की है। तो इस प्रकार इस पुस्तक में उन्होंने 3 खंड बताए हैं, श्रम विभाजन के प्रकार, कारण व दशाएं, श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप। अब हम दुर्खीम के इस सिद्धांत, श्रम विभाजन का जो ये सिद्धांत है, इसकी थोड़ी विस्तृत विवेचना कर लेते हैं। नंबर 1, जैसे कि श्रम विभाजन के प्रकार ही आपको बताया है कि यह उन्होंने अपनी पुस्तक के प्रथम खंड में बताया है, श्रम विभाजन के प्रकार, जिसका संक्षिप्त अध्ययन अभी अभी हमने किया। इसका विस्तृत विश्लेषण हम इस प्रकार शुरू करेंगे। दुर्खीम प्रत्येक सामाजिक तथ्य को एक नैतिक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं। कोई भी सामाजिक प्रतिमा
नैतिक आधार पर ही जीवित और सुरक्षित रहता है। एक प्रकार्यवादी के रूप में दुर्खीम ने सबसे पहले श्रम विभाजन के प्रकार्य की खोज की है। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है। इसके प्रकार्यात्मक विश्लेषण से ही ये अपनी पुस्तक का शुभारंभ करते हैं। प्रकार्य शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए वे बताते हैं कि इस शब्द के दो अर्थ हैं। नंबर एक, प्रकार्य का अर्थ गति व्यवस्था से है, अर्थात क्रिया से है। नंबर दो, प्रकार्य का दूसरा अर्थ इस क्रिया या गति तथा उसके अनुरूप आवश्यकता के पारस्परिक संबंध से है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्रम विभाजन के प्रकार से दुर्खीम का आशय यह है कि श्रम विभाजन की प्रक्रिया समाज के अस्तित्व के लिए कौन सी मौलिक आवश्यकता को पूर्ण करती है। प्रकार्य का अर्थ भूमिका से समझा जा सकता है। प्रकार्य वह कार्य है जिसके अभाव में किसी सावयव की या उसके तत्वों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। तो इस प्रकार श्रम विभाजन के प्रकार्य, ये टॉपिक हमारा आज हमने शुरू किया है। आज इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी टॉपिक का विस्तृत विश्लेषण अगले वीडियो में हम करेंगे। नमस्कार।